देश में भयानक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। हजारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऑटो सेक्टर के बाद अब एफएमसीजी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एफएमसीजी की बड़ी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर्स में 4% की गिरावट दर्ज की है। वहीं पार्ले ने कहा है कि कम खपत के चलते उन्हें 8 से 10 हजार लोगों को निकालना पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर में जहां पिछले साल तीसरे क्वार्टर में ग्रोथ रेट 16 से 17% की बढ़त दर्ज की थी, वहीं इस साल सिर्फ 10% रह गई है। एफएमसीजी की बड़ी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर में 4% की गिरावट दर्ज की है। वहीं देश की बिस्किट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पार्ले ने कहा है कि अगर खपत में बढ़ोतरी नहीं हुई तो उन्हें 8 से 10 हजार तक लोगों को निकालना पड़ेगा। पुराने टैक्स रेट पर एक नज़र डालें तो 100 रुपए वाले बिस्किट में 12% टैक्स लगता था और बाकी कम दाम वाले बिस्किट पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के बाद से सारे बिस्किट में 18% का ही टैक्स लगता है, चाहे वे प्रीमियम बिस्किट हो या नॉन प्रीमियम बिस्किट। मतलब 100 रुपए और 5 रुपए के बिस्किट के लिए एक ही टैक्स रेट है। जुलाई के महीने में मार्केट रिसर्चर नीलसन ने एफएमसीजी सेक्टर मार्केट में रिवीजन किया और कहा कि एफएमसीजी में केवल 9 से 10% की बढ़त होगी। वहीं पिछली रिपोर्ट में नीलसन ने 11 से 12% बढ़त की बात की थी। विशेषज्ञ का कहना है कि आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर की दूसरी चीजों की खपत पर भी मंदी का बुरा असर देखने को मिल सकता है। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।